नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में जीपी अस्पताल में इको और टीएमटी जांच शुरू। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए यह जांच मुफ्त रहेगी, अन्य मरीजों के लिए सभी अस्पतालों के रेट अलग अलग। दमोह में नहीं शुरू हुए सोयाबीन खरीदी केंद्र, किसान व्यापारियों को फसल बेचने को है मजबूर। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस आई मैदान में, कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंच कर दिया ज्ञापन। आष्टा में एबीवीपी ने वीआईटी गेट पर दिया धरना। वीआईटी कॉलेज के सुरक्षा गार्डो ने की थी मारपीट, एबीवीपी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए, पुलिस मामले की जांच कर रही। छतरपुर के मुख्य मार्ग पर खड़ी एम्बुलेंस पर हुई चालानी कार्रवाई, यातायात में बाधा बन रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई। आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को क्रेन से टांग कर ले जाया गया, यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है भोपाल से, दूसरी खबर आ रही है दमोह से, तीसरी खबर आष्टा से, चौथी और आखिरी खबर छतरपुर से। वहीं हम बात करें पहली खबर की, पहली खबर भोपाल से, जहां पर जेपी अस्पताल में इको और टीएमटी जांच शुरू। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए जांचें मुफ्त रहेंगी, मरीजों के लिए अन्य मरीजों के लिए सभी अस्पतालों के रेट अलग अलग है। दूसरी खबर है दमोह से, जहां पर दमोह में नहीं शुरू हुए सोयाबीन खरीदी केंद्र, किसान व्यापारियों को फसल बेचने को मजबूर है। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस मैदान में आई है, कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंच कर ज्ञापन दिया। तीसरी खबर आष्टा से, जहां पर आष्टा में एबीवीपी ने वीआईटी गेट पर धरना प्रदर्शन दिया है। वीआईटी कॉलेज के सुरक्षा गार्ड ने मारपीट की थी, एबीवीपी के 5 कार्यकर्ता इसमें घायल हुए थे, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं चौथी और आखिरी खबर है छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में मुख्य मार्ग पर खड़ी एम्बुलेंस पर हुई चालानी कार्रवाई। आपको बता दें यातायात में बाधा बन रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई है, आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस को क्रेन ने टांग कर उस पर ले जाया गया। पहली खबर है भोपाल से, जहां हृदय से संबंधित समस्याओं की पहचान के लिए इको और टीएमटी जांच जरूरी होती है। बीते माह सुविधा भोपाल के जेपी अस्पताल में शुरू की गई थी, अब तक सभी मरीजों को यह मुफ्त दी जा रही थी क्योंकि इनके रेट तय नहीं हो सके थे। अब प्रबंधन द्वारा दोनों जांच के रेट तय कर दिए गए हैं, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से आबिद मुमताज जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अब जेपी अस्पताल में इको और टीएमटी जांचें शुरू हो गई है, वहीं इसके रेट भी अब तय कर दिए गए हैं। किस रेट पे जो है जांचें शुरू की गई है? बिल्कुल देखिए रितिका, जिस तरह से जेपी अस्पताल में पहले भी इको और टीएमटी जांच यहां पर शुरू की गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसको बंद कर दिया गया था। अब दोबारा से इसको यहाँ पर शुरू किया गया है और इसका निर्धारित शुल्क पहले जो है निर्धारित नहीं था, लेकिन अब निर्धारित शुल्क भी इसका जो है यहाँ कर दिया गया है। इको टेस्ट के लिए ₹500 और टीएमटी टेस्ट के लिए भी ₹500, यानी कुल दोनों टेस्टों के लिए ₹1000 का शुल्क जो है यहाँ पर रितिका निर्धारित किया गया है। जी आबिद, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसे किसी कारणवश जो है बंद कर दिया गया, तो क्या कुछ कारण निकल के सामने आया और अभी इसे वापस से शुरू किया गया है, तो उसका क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, जो अभी जिस तरह से डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जो सिविल सर्जन है उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि पहले जो है स्टाफ की कमी भी थी, स्टाफ इसका नहीं था और शुल्क निर्धारित भी नहीं था, जिस कारण इसको यहाँ पर बंद किया गया था। अब चूंकि शुल्क भी निर्धारित हो गया है और स्टाफ को भी यहाँ पर रख लिया गया है, इसलिए दोबारा इसको यहाँ पर शुरू किया गया है रितिका जी। तो वहीं जैसे कि बात सामने आ रही कि सभी अस्पतालों में जो है अलग अलग रेट से इलाज होंगे, तो कैसे क्या मरीजों को रेट देखने को मिलेंगे इस दौरान? देखिए, जेपी अस्पताल की बात करें तो ₹1000 में दोनों जांच हो रही है, जबकि हमीदिया अस्पताल की बात करेंगे तो ₹800 में ये जांच हो रही है। वही एम्स में सबसे महंगी जांच है, टीएमटी की जांच जो है ₹1200 की है और ₹500 की इको की जांच है। तो वही बात करें यदि बीएमएचआरसी यानी भोपाल मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल की, तो वहां पर भी ₹1000 का शुल्क निर्धारित है, यानी भोपाल में अब 4 अस्पतालों में इको और टीएमटी की जांच यहां पर की जा रही है। तो इसमें अलग अलग शुल्क जो है निर्धारित यहां पर किए हैं, लेकिन सामान्यता देखा जाए तो सबसे कम शुल्क जो है वो हमीदिया अस्पताल का है, क्योंकि राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो इस हिसाब से यहाँ शुल्क कम है। और वही यदि ज्यादा शुल्क की बात करें तो एम्स हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा शुल्क है, क्योंकि खाली टीएमटी की जांच जो है ₹1200 में वहाँ की जा रही है और इको जो है ₹500 में किया जा रहा है, यानी कुल ₹1700, ₹700 का फर्क यहाँ पर आ रहा है जी। वही आबिद, बीपीएल कार्ड धारकों को जो है मुफ्त जांचें रहेंगी, तो इससे इसके इसके लिए आपके पास क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर?
बिल्कुल बिल्कुल रितिका, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो बीपीएल कार्ड धारी है उनका जो है मुफ्त में यहाँ इलाज होगा, जांच भी जो है वो यहाँ पर फ्री में यहाँ पर की जाएगी, और सभी अस्पतालों में जो है बीपीएल जो कार्ड धारी है उनका इलाज यहाँ फ्री किया जा रहा है। तो इसकी क्या प्रोसेस रहती है आबिद? देखिए बीपीएल कार्ड को यहाँ दिखाना होता है, उसके बाद एक जो डॉक्टर के पास यहाँ पर जाते हैं, डॉक्टर उस पर फ्री लिखता है, बीपीएल का कोड नंबर लिखकर वो आगे जो है टेस्ट के लिए पर्चा आगे बढ़ाता है और उसी आधार पर ये जांच जो है यहाँ पर फ्री की जाती है। जी आबिद, जैसा कि आपने अभी बताया था कि जेपी अस्पताल में जो है इको जांच अभी बंद कर दी गई थी, वही अब वापस से शुरू की गई है, तो इससे मरीजों को कितना क्या फायदा होगा? नहीं, निश्चित रूप से जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जेपी अस्पताल है, तो निश्चित रूप से मरीजों को और खासकर हार्ट पेशेंट की आप बात करेंगे, क्योंकि दोनों जाके जो है हार्ट से संबंधित समस्याओं के पहचान के लिए इको और टीएमटी जांच यहां पर की जाती है, ताकि ये पता चल जाए कि हार्ट का लेवल क्या है और हार्ट में क्या बीमारी है। तो इस दोनों ही चीजों के लिए ये दोनों ही जांचें बहुत जरूरी है, और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के नाते यहाँ पर बहुत जरूरी था, और यहाँ पर करीब करीब 2.5 से 3 हजार मरीज जो है पर डे यहाँ पर ओपीडी में आकर चेक कराते हैं, तो निश्चित रूप से उनको काफी फायदा यहाँ मिलेगा। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी भोपाल राजधानी से, जहाँ पर हृदय से संबंधित समस्याओं की पहचान के लिए इको और टीएमटी जांच जरूरी होती है, बीते माह यह सुविधा भोपाल के जेपी अस्पताल में शुरू की गई थी। अब तक सभी मरीजों को यहाँ मुफ्त दी जा रही थी क्योंकि इनके रेट तय नहीं थे। अब प्रबंधन द्वारा दोनों जाँचों के रेट तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब एक जाँच के लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। दूसरी खबर है दमोह से, जहां मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही किसानों की परेशानियों के बीच किसान सोयाबीन की फसल बेचने के लिए सरकारी खरीदी केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब सूबे के दमोह में फिर एक बार किसानों के सपनों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। जिले में अब तक ये केंद्र नहीं खोले गए हैं और किसान मंडी में व्यापारियों को फसल बेचने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दमोह से गणेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। गणेश, दमोह में जो है किसान परेशान हो रहे हैं, वही सोयाबीन खरीदी के केंद्र पर अभी तक जो है खरीदी शुरू नहीं हो सकी है, क्या कुछ है पूरा मामला दमोह से सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दमोह में सोयाबीन खरीदी को लेकर के जहां पर किसान परेशान है, वहीं पर कांग्रेस सड़कों पर आ गई है और किसानों के समर्थन में खड़ी हुई दिख रही है। ये सारा मामला है कि किसान की जो सोयाबीन की फसल होती है उसको फसल पककर तैयार हो गई और किसान इसको बेचने के लिए तैयार हैं, ऐसे में सरकारी खरीदी केंद्र नहीं खुल पाए हैं, इसको लेकर के ये किसान परेशान है। और सूबे के दमों में जो किसानों का सपना था कि वो अपना जो फसल है उसको खरीदी केंद्रों पर बेच पाएंगे, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको बता दें कि दमोह जिले में अब तक ये केंद्र नहीं खोले गए हैं, इसको लेकर के किसान जो भी किसान है वह अपनी फसलों को जो मंडी में व्यापारी होते हैं उनको बेचने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो व्यापारी होते हैं वह मनमाने रेट पर इनकी उपज होती है उसको खरीदते हैं, तो ऐसे में पूरे प्रदेश में सरकार ने मतलब सरकार के द्वारा 25 अक्टूबर से खरीदी केंद्र शुरू करने का ऐलान किया था। अधिकांश जगहों पर देखे भी गए हैं जिलों में कि कई जगह खरीदी केंद्र शुरू हुए हुए हैं, लेकिन दमोह में स्थानीय प्रशासन की नादिरशाही के चलते आज की बात करें तो 6 नवंबर तक अभी एक भी केंद्र शुरू नहीं हुए हैं, इसको लेकर के किसान आक्रोश में है। वहीं किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने एक ज्ञापन यहां पर दमोह कलेक्ट्रेट पहुंच करके एसडीएम महोदय को दिया है, उसमें उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द यहां पर खरीदी केंद्र शुरू किए जाएं। अगर इस तरह के केंद्र जो खरीदी केंद्र है वह शुरू नहीं किए जाते हैं तो वह किसानों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक केंद्र नहीं खुले हैं खरीदी के लिए, तो किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना है किसानों का? बिल्कुल, स्वाभाविक बात है कि जब किसान की फसल तैयार हो जाती है तो वह उचित मुआवजे होते उचित रेट पर इस खरीदी को मतलब अपना अनाज बेचना चाहते हैं, और ऐसे में सरकार इनका अनाज खरीदती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ढीलाशाही के चलते या फिर ऐसे रवैये के चलते जब कोई खरीदी नहीं हो पाती है तो इस तरह के केंद्र नहीं खुल पाते हैं, तो किसानों को स्वाभाविक बात है कि समस्या आती है। इसको लेकर के आज ये कांग्रेस के नेता हैं जो वह किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो अन्य किसान नेता हैं यह यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और उन्होंने खरीदी केंद्र शुरू करने का एक आग्रह भी यहाँ पर अधिकारियों से किया है। कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि किसानों की समस्याओं का
कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है और वहीं पर उनकी मांग यह है कि किसानों की समस्या जो है वह जल्द ही समाधान होना चाहिए, नहीं तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार भी रहेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो है किसानों के लिए ज्ञापन भी दिया गया है, तो ज्ञापन के बाद क्या कोई आश्वासन मिला है, कब तक जो है खरीदी केंद्रों पर खरीदी शुरू हो जाएगी, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास? अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि जल्द ही इस मामले में, चूंकि प्रक्रिया जारी है और किन्हीं कारणों से लेट हो गए हैं तो प्रक्रिया पूरी हो भी चुकी है और जल्द ही जो खरीदी केंद्र है उनको चालू किया जाएगा। चूंकि किसान परेशान है, किसानों के हित में सरकार लगातार ही काम करती रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया है कि आप चिंता मत करिए, किसानों के जो खरीदी केंद्र हैं वो जल्द से जल्द चालू किए जाएंगे। जी, तो खरीदी में देर का क्या कुछ कारण बताया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब खरीदी केंद्र चालू होते हैं, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि 25 अक्टूबर से प्रदेश सरकार ने जगह जगह पर खरीदी केंद्र करने के ऐलान कर दिए थे, इसकी जो निविदाएं होती है और अधिकांश जगहों पर जो खरीदी केंद्र शुरू होते हैं तो वह खरीदी केंद्र के लिए तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं, लेकिन किन कारणों से अभी तक खरीदी केंद्र चालू नहीं हो पाए ये तो सामने एक बड़ा ही सवाल है। इसको लेकर के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही खरीदी केंद्र चालू कर दिए जाएंगे और किसानों की जो भी समस्या है उनका हल किया जाएगा। क्या इससे पहले भी किसानों को इसी तरह परेशान होना पड़ा इन सारी समस्याओं को जो कि सामने आ रही है दमोह से, इस बार क्या? यह पहला बार क्या सामने आया है जब किसान खरीदी केंद्र नहीं खुलने को लेकर के परेशान है। इसके पहले जितने भी फसल होते हैं, चाहे वह रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, सभी में खरीदी केंद्र सुचारू रूप से समय से पहले ही फसल पकने के तैयार हो जाते हैं। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि किसान एक फसल तैयार करने के बाद दूसरी फसल की तैयारी करता है, तो ऐसे में किसानों के लिए परेशानी भी है। जहां तक उनकी बात करें तो फसल के लिए उनको खाद बीज के लिए भी परेशान होना पड़ता है, तो इसको लेकर के किसान परेशान भी और अपनी समस्याओं को लेकर वह उन्होंने एक ज्ञापन कांग्रेस के साथ मिलकर दिया है, तो जिसमें जल्द ही समाधान होने की बात भी सामने आई। जी, और ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस के नेताओं द्वारा सरकार पर और भी क्या कुछ आरोप लगाए गए थे इस दौरान? कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सरकार किसान विरोधी है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है, बड़े हुए रेटों पर माल न खरीदना पड़े, निजी व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से यह केंद्र नहीं खुलेगा। इस तरह के अनेक आरोप कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाए गए हैं। चूंकि कांग्रेस लगातार ही किसानों के हित में खड़ी रहती है, इसीलिए इसी कड़ी में आज यह ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ जो सेवा दल के अध्यक्ष हैं वह थे, और इसके अलावा जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वह उनकी भी यहाँ पर भूमिका थी, साथ में किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। जी, तो गणेश, कांग्रेस के द्वारा जो है सरकार पर आरोप भी लगाए गए, तो इसके बाद स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली इस मामले में? भाजपा के नेताओं के द्वारा तो कुछ अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि एक बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की उदासीनता भी यह दर्शाता है कि खरीदी केंद्र क्यों चालू नहीं हुए, तो एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के अब देखना होगा खबर दिखाए जाने के बाद कितनी जल्दी ये खरीदी केंद्र चालू होते हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही किसानों की परेशानियों के बीच किसान सोयाबीन की फसल बेचने के लिए सरकारी खरीदी केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सूबे के दमोह में फिर एक बार किसानों के सपनों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं तीसरी खबर की ओर, जो कि आ रही है आष्टा से, जहां पर आष्टा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी देकर बीते दिनों वीआईटी कॉलेज गेट पर धरना दिया था। यह मामला कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही और हट धर्मिता का है। एवीवीपी ने एमएमएस मामले में निलंबित हुए बच्चों को लेकर के धरना दिया था, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आष्टा से दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। उस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिनेश, आष्टा में एबीवीपी ने वीआईटी गेट पर एक फिर से धरना दिया है, वही क्या कुछ कहना है, क्या कुछ पूरा मामला सामने आ रहा है, बताइए विस्तार से। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 अक्टूबर को वीआईटी प्रबंधन या वीआईटी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज अंदर गर्ल्स कॉलेज का जो कैंपस बना हुआ है, छात्रावास है, उस छात्रावास के अंदर कुछ बच्चियों के साथ एमएमएस बनकर वायरल हुए थे जी। और उन्हीं एमएमएस को लेकर शायद लगभग 70 से 75 बच्चों का निलंबन हुआ था। उसी निलंबन को लेकर बार बार ये प्रयास किया जा रहा था कि ये निलंबन वापस हो या जो दोषी उन पर कार्रवाई हो, लेकिन वीआईटी प्रबंधन बराबर अपनी हठधर्मिता को बना रहा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार वीआईटी प्रबंधन की लापरवाही या हठधर्मिता अपन का है, इस तरह के अनेकों मामले हो चुके हैं जिसमें वीआईटी प्रबंधन बराबर हठधर्मी बना हुआ है।
और इसी मामले को लेकर पिछले दिनों पिछली 5 तारीख को यानी कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीओर में एक प्रेस वार्ता करके सभी जिला के अधिकारियों को और वीआईटी प्रबंधन को आगाह कर दिया था कि हम आपके यहाँ आके धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले वो ज्ञापन भी दे चुके थे, ज्ञापन देके आप यानी कि संपर्क कर चुके थे वीआईटी प्रबंधन से, लेकिन कुछ सकारात्मक रिजल्ट सामने नहीं आया। तो उन्होंने कल प्रेस वार्ता करके और सभी को आगाह कर दिया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और यही हुआ कि कल वो दिन में वीआईटी के जो मेन गेट है उसके ऊपर सैकड़ों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए। लेकिन इसी बीच वहां पे जो सुरक्षा गार्ड है उनसे उनकी कही कहा सुनी हो गई, आपस में झड़प हुई जिसमें लठ चले, मारपीट हुई, और स्थिति यह हुई कि उसमें लगभग 5 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता घायल हुए और एक शायद वीआईटी प्रबंधन का जो सुरक्षा गार्ड है उसको भी घायल होने की खबर सामने आ रही है। जी, जिस तरह से बताया है कि तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है इस मामले में, बच्चों को निलंबन भी कर दिया, आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? एबीवीपी कार्यकर्ताओं की सबसे मेन मांग ये है कि वीआईटी प्रबंधन में एक के बाद एक घटनाएं घटित होती चली जा रही है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन उन्हें गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले वहां के जो आसपास जो यूनिवर्सिटी के आसपास जो किसान है उनकी जो जाने का रास्ता है सरकारी, उस रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया प्रबंधन द्वारा, या सरकारी नाला उस पर अतिक्रमण कर लिया गया, किसानों को रास्ता बंद होकर किसान वहां के आसपास के परेशान है। इसी के बाद शायद कुछ बच्चों की वहां पर आत्महत्या के मामले भी सामने आए। इससे पहले एक पानी की समस्या को लेकर बड़ा उपद्रव परिसर के अंदर ही हुआ था जिस जो भी खूब सुर्खियों में रहा, इसके कारण वह उस समय आनंद फार्म में प्रबंधन द्वारा बच्चों की छुट्टियां कर दी गई थी बगैर किसी सूचना जानकारी के, परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, और इसके बाद प्रबंधन द्वारा पिछले दिनों एक सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट हुई थी जिसकी बाकायदा आष्टा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो एबीवीपी का सिर्फ यही कहना है कि आखिर इस तरह से बार बार घटनाएं क्यों घटित हो रही है और प्रबंधन उसको गंभीरता से क्यों नहीं लेता है। जी, वहीं आपसे पूछना चाहूंगी दिनेश कि इस धरने प्रदर्शन के दौरान जो है एबीवीपी के 5 कार्यकर्ता जैसा कि आपने बताया कि घायल हुए थे, तो इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा अभी क्या कुछ जांच करने की बात कही जा रही है, अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कल जैसे ही उन लोगों के लिए 5 घायल हुए उनको आष्टा लाया गया, आष्टा थाने में उनको मेडिकल के लिए आष्टा सिविल अस्पताल भेजा, मेडिकल हुआ, और उन्होंने बाकायदा उनको भरोसा भी जताया कि वो इसमें जो हुई न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पदाधिकारी साथ थे या जिनको लगी उनका ये कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ पक्षपात करा, पुलिस वहां जो भी घटना के टाइम पे मौजूद थी लेकिन पुलिस ने पूरी तरह जिस तरह बीच बचाव करना चाहिए था उस तरह बीच बचाव नहीं किया, इसी कारण ये ज्यादा मारपीट हुई और हम लोग घायल हुए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी आष्टा से, जहां आष्टा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी देकर बीते दिनों वीआईटी कॉलेज गेट पर धरना दिया है। यह मामला कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही और हठधर्मिता का है। चौथी और आखिरी खबर है छतरपुर से, जहां छतरपुर में एसपी अगम जैन के निर्देशन पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए क्रेन के माध्यम से टांग कर यातायात थाने ले जाया गया, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। विकास, छतरपुर में मुख्य मार्गों पर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उन पर चालानी कार्रवाई की गई है, ऐसे कितने वाहन चालकों पर ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसपी अगम जैन के निर्देशन पर जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से लगातार जो बृहस्पत साकेत है यातायात प्रभारी है उनके द्वारा जो है धरने से कार्रवाई की जाती है। उनका कहना ये था कि ये आधा दर्जन से अधिक जो एम्बुलेंस है रोड किनारे खड़ी कर देते हैं, या उनकी फिटनेस नहीं है, या उनपे फास्ट बॉक्स नहीं लगे हैं, और उनके अंदर जो गाड़ी खड़ी थी वहां पर उसमें ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। तो बृहस्पत साकेत जी के द्वारा बताया गया कि इनमें सीएमएचओ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, उनके पत्र जो है
यातायात प्रभारी को दिया गया था कि लगातार इनके द्वारा अनियमितताएं की जाती हैं, जो प्राइवेट तौर पर एम्बुलेंस चलाते हैं उनके परमिट नहीं है या ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, इससे जो है लोगों को खतरा है या किसी भी वक्त हादसा भी हो सकता है। तो इसको लेकर यातायात प्रभारी साकेत बृहस्पति साकेत के द्वारा जो निगरानी रखी गई और आधा दर्जन से अधिक जो एम्बुलेंस रोड के किनारे खड़ी थी छत्रसाल चौक पर, उनको क्रेन मंगवाकर क्रेन से, चूंकि उसमें ड्राइवर उपस्थित नहीं थे या उपस्थित नहीं थे या देखकर यातायात प्रभारी को गोल हो गए, तो क्रेन मंगवाई गई उनके द्वारा। चूंकि यातायात प्रभारी के यहाँ क्रेन की सुविधा तो नहीं है, लेकिन किराए से क्रेन मंगवाई गई और क्रेन से जो है यातायात थाना ले जाया गया, उनकी जाँच की गई। उनके ज्यादा सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राइवर मौजूद नहीं थे, तो उनके मालिकों को बुलाया गया, उनके द्वारा माफी भी मांगी गई और जो उनसे चालान भी वसूला गया, चालानी कार्रवाई भी की गई और उनके मालकों ने माफी मांगी। उनने कहा और ये भी कहा कि जब तक इसकी फिटनेस या जो भी नियम लागू होते हैं इसमें वो नहीं होते हैं, तब तक ये चलाई नहीं जाएगी, रोडों पे दौड़ी भी नहीं। उनको समझाया गया कि भाई अपने लाइसेंस स्वतः ड्राइव रखिए, फास्टेस्ट बॉक्स रखिए, जो भी नियम अनुसार शर्तें होती है उनको फॉलो करें, क्योंकि दूसरे के जीवन से खिलवाड़ ना करें। जी रितिका जी, विकास जी, यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों के द्वारा मतलब लोगों को क्या कुछ जागरूक किस तरह से किया जाता है यातायात विभाग के द्वारा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बृहस्पति साकेत है यातायात प्रभारी और एसपी अगम जैन के निर्देशन पर लगातार जो है यातायात को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुरक्षित जीवन, लोगों के जीवन को बचाने के लिए लगातार जो है कार्रवाई की जाती है। और जैसे हमारे चैनल द्वारा पहले भी पूर्व में दिखाया जा सकता है, जो टू व्हीलर वाहन है उनके लिए हेलमेट बैंक की भी सुविधा की गई है और लगभग 2000 लोगों ने इसका फायदा भी लिया है और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। अभी दुर्भाग्य बृहस्पति साकेत जी के द्वारा बताया गया कि दुर्भाग्यपूर्ण था जो बागेश्वर धाम में एक घटना हुई थी, उसमें एक लड़का मृत हुआ था, उसमें बस में टक्कर लग गई थी या डिवाइडर को क्रॉस करके, उसके बाद जो है लगातार जो है व्यवस्था को और भी बढ़ाया गया है, जगह 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 बैरिकेटिंग की गई है और लगातार वाहनों की चेकिंग की जाती है। अगर ये जो मनचले होते हैं, लड़के हैं, एक्शन में गाड़ी चलाते हैं, उनको भी पकड़कर चालानी उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, जो बसें ओवरलोड जा रही हैं उनको भी पकड़ा जाता है। तो ऐसे कई पहलुओं पर उनसे हमारी चर्चा हुई। बृहस्पति साकेत जो यातायात प्रभारी है उनके द्वारा ये सारी चीजें बताई गई। उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये जो है यातायात के नियमों को सुदृढ़ रूप से पारित करवाया गया, ये अपन लोगों ने कोशिश की, हमारी जो टीम है वो लगातार लगी है, तो उससे जो है इस साल लगभग 4000 हादसे कम हो गए हैं। तो उससे समझा जा सकता है कि जैसे ही पुलिस यातायात प्रभारी और एसपी अगम जैन के नेतृत्व में जैसे ही टीम स्ट्रांग होती है और लगातार कार्रवाइयां होती हैं, तो उससे एक्सीडेंट भी कम होते हैं, लोगों की जानों को भी बचाया जा रहा है। जी तो जिस तरह से यातायात विभाग द्वारा काफी प्रयास किया जाता है कि यातायात को सुगम बनाया जाए, तो फिर लोगों में कैसी क्या जागरूकता देखने को मिलती है छतरपुर में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में भी जागरूकता दिखती है, क्योंकि जैसे ही पुलिस का एक खौफ रहता है लोगों के प्रति कि एक दो बार जैसे चालान कट गया या चालानी कार्रवाई की गई, तो 4 लोगों ने 10 लोगों को बताया, 10 से 20 को ऐसी जो है बात फैलती है और वहां पर नियमों का सुदृढ़ रूप से संचालन किया जाने लगा और लोग जो है यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं और पालन करने के लिए उन्हें उनके टीम द्वारा जो है करवाया जाता है, पालन करवाने के लिए लगातार जागरूक किया जाता है, फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं, लगातार ऐसी जो है यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है और उनको यातायात के नियमों को पालन करवाने के लिए हमेशा जो है कुछ ना कुछ किया जा रहा है। इसलिए जो है निश्चित तौर पर यातायात के नियमों को पालन करने से लोगों में जो एक्टिविटीज है या दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आई है। जैसे अभी हमने इसका जिक्र किया, हेलमेट बैंक सेवा या ऐसी और भी सेवाएं प्रशासन स्तर से करवाई जा रही हैं, लगातार बैरिकेटिंग करवाना, जहां पर ज्यादा भीड़भाड़ इलाके पे अपने कांस्टेबल को रखना, तो ये सारी चीजों से जो है यातायात की नियमों का पालन करवाने से लोगों में
एक उत्साह भी है छोटे बच्चों के को रोक कर उनको समझाना, पेरेंट्स को उनके कहना कि छोटे जिनके पास लाइसेंस नहीं है जो 18 साल से नीचे है उनको गाड़ी वाहन ना दें, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाइयां की जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है यातायात नियमों में आती है जिससे लोगों को लोग भी उसका सहयोग कर रहे हैं। जी रितिका जी, जी तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में एसपी अगम जैन के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए क्रेन के माध्यम से टांगर यातायात थाने ले जाया गया। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए इस इन भारत के साथ।